मुख्यमंत्री से मिलने की बातें हुई, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं, फिलहाल क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, उन्हें जनता की सुख सुविधा से शायद वास्ता नहीं लग रहा है। अलग होती है, उसे हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानीयता कहते हैं, और ये राज्य तय करता है। देश नागरिकता तय करती है, लेकिन राज्य स्थानीयता तय करती है। तो हम लोग वही मांग करने आए थे कि झारखंड के स्थानीय कौन है। 22 वर्षों में आज तक नियम नहीं बन पाया है, 22 वर्षों में आज तक कानून नहीं बन पाया है, विधेयक नहीं बन पाया है, कि आखिर झारखंड में झारखंडी कौन है, कौन है, यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्रिटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा। यदि नहीं तय होता है तो निस्संदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूँगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहाँ लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं, और यह क्या असंवैधानिक मामला है। आप एक व्यक्ति दो सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, दो सीटों से संसद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है। ये संवैधानिक है, ये कानूनी है, पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग करते हैं। और ये अगर आपको प्रमाण चाहिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी चुनाव के समय हमारे साथ आइए, आपको प्रमाण सहित देंगे। तो ये चीज़ें जो आने वाले समय आएंगे, अगर राज्य सरकार नियम नहीं बनाती है, दोहरी वोटर आईडी को खारिज नहीं करती है सर्वे करके, तो झारखंड जो मूलवासी आदिवासी हैं, निस्संदेह ये भोले भाले लोग हैं, ये आने वाले फ्यूचर छले जाएंगे। और हमने भी पढ़ा है इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निस्संदेह झारखंड का शोषण लगातार जो विकसित राज्य हैं वहाँ के लोग लगातार करते आ रहे, इसका प्रमाण है। आप टाटा में जाइए, HEC में जाइए, आप सेल में जाइए, सिंदरी प्लांट में जाइए, जहाँ भी आपको जाना है स्थानीय लोग नग्न मिलेंगे। स्थानीय लोग कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कई तो विदेश जाने लगे हैं। और ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख कोरोना काल मजदूर झारखंड वापस आते हैं। तो जब झारखंड 40% खनिज अकेले देने वाला राज्य, वहाँ के लोग अगर पलायन करेंगे तो मैं नहीं कहता हूँ, भारत संवैधानिक देश है, किसी को रोजी रोटी करने के लिए आने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन पहला अधिकार वहाँ का जो मूल निवासी है उसका बनना चाहिए। अगर मेरी माँ ने रोटी बनाई है तो पहला अधिकार मेरा होना चाहिए, उसके बाद अगर पड़ोसी का बच्चा भूख से रो रहा है तो मैं माँ से खुद कहूँगा कि एक टुकड़ा उसे दिया जाए, लेकिन पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की रोटी, झारखंड मेरा, यहाँ के संसाधन मेरे और हक अधिकार अन्य राज्यों का, यह बेईमानी है, यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। हमारी लड़ाई न्याय संगत है और बिल्कुल विधि पूर्वक है। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि झारखंड निस्संदेह जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा, और उनसे मैं कहूंगा कि हित में, जो झारखंड का हित हो, झारखंडियों का भला हो, कल्याण हो, उसके हित में कानून बनाया जाए। चूंकि आप एक दूसरा आज मामला उठाए हैं अभी राज्यपाल से मुलाकात में, 40 लाख मतदाता जो कि जिसको आप फर्जी बता रहे हैं, कोई डाटा है आपके पास, और राज्यपाल से मुलाकात में आपने कोई फैक्ट पेश किया है उनके समक्ष? मैंने पहले कहा कि इसको हम अनुमान कह रहे हैं, इसको हाँ डाटा इसलिए नहीं है। आप किस बात का डाटा का जिक्र करते हैं, कहा गया है ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान अच्छा भी होगा, संविधान बुरा भी होगा, चलाने वाले पे निर्भर करता है। अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो संविधान अच्छा चलेगा, चलाने वाला अगर बुरा होगा तो संविधान बुरे रास्ते पर जाएगा। उदाहरण के लिए आपका तेतुलिया में खान घटना हुई, आपने पढ़ा होगा, वहाँ प्रशासन की टीम कह रही है, अखबार वाले कह रहे हैं कि लोगों को कुछ नहीं हुआ, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लगभग दर्जनों नहीं 50 की संख्या में लोग मारे गए हैं। तो आप किसका देखिएगा, आंकड़े सरकारी आंकड़े सही छापते कहाँ हैं? आप जाइए सरायकेला गोलीकांड 1948 की घटना को, पेपर छापती है कि 20 से 36 लोग मारे गए हैं, स्थानीय लोग आज भी जीवित है, वे कह रहे 2000 लोगों का शहादत हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उनको छुपाया जाता है। आप साथ में आइए जी, मैं हाँ बिल्कुल 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 मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा। आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है, एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है। तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट से में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूँ, बहुत खुशी हुआ, वो सोशल साइट में लिखते हैं। फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं, जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। तो है, हमारे पास प्रमाण है।
लेकिन चूंकि सरकारी प्रमाण नहीं है क्योंकि सरकार संवैधानिक अधिकार है, कहीं से भी लड़ सकते जी नहीं, वह आपका त्रिस्तरीय चुनाव है। अगर आप जानते हैं संवैधानिक, तो त्रिस्तरीय चुनाव वही लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी हो। विधानसभा और लोकसभा कोई कहीं भी लड़ सकता है, त्रिस्तरीय चुनाव कोई कहीं भी नहीं लड़ सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय नीति का क्या आप यहाँ पे मांग की? स्थानीय नीति खतियान के आधार पे बने, 1932 हो क्या हो, कानूनी समीक्षा हो, कानूनी समीक्षा हो, मुख्य आधार मुख्य केंद्र बिंदु 1932 को माना जाए, कानूनी समीक्षा हो, आयोग गठन हो, सरकार उस पर निर्णय करे, चर्चा करे, परिचर्चा करे। आप जो बोल रहे हैं जयराम जी कि कानूनी समीक्षा हो, आप ही की बात को मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हम लोग कानूनी समीक्षा कर रहे हैं और इसको पढ़ लिख रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री की ही बातों को आप दोहरा रहे हैं तो फिर अब राज्यपाल से मिलने की क्या जरूरत है? राज्यपाल से मिलने की आवश्यकता इसलिए है कि राज्यपाल, केवल राज्यपाल ही नहीं, इनके पास एक संवैधानिक दायित्व है। ये चांसलर होते हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। विधानसभा के लिए कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, वह व्यक्ति उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है। राज्यपाल का एक अलग क्राइटेरिया है, ये समझेंगे, राज्यपाल बने हैं ये समझेंगे, पता होगा ये सब। और चूंकि मुख्यमंत्री ने बयान आपके सदन के भीतर दिया है कि हम लोग अगर विधेयक बनाएंगे तो न्यायपालिका उसे खारिज कर देगी। पहला काम विधेयिका का होता है, आप विधेयक बना तो लीजिए, नियम बना तो लीजिए, बना नहीं है। हमारी भाषा में कहा जाता है कि मरने से पहले भूत बनना, तो वही हाल मुख्यमंत्री का है। हमने देखा मुख्यमंत्री, हम लोग तो पहली बार मुख्यमंत्री से ही मिलने गए थे, राज्यपाल से मिलने गए थे, हम तो विधानसभा गए थे। जब वहां से सकारात्मक पहल नहीं मिला, हम लोग राजभवन की ओर आए, हम राज्यपाल से मिलने आए। जयराम जी, अलग अलग जिलों पे अलग अलग सर्वे हुआ, आप समय मांगे हैं मुख्यमंत्री के? जी हाँ, उनके पास भी शेड्यूल गया है, मुख्यमंत्री से मिलने की बातें हुई, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं, फिलहाल क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, उन्हें जनता की सुख सुविधा से शायद वास्ता नहीं लग रहा है। जयराम जी, 1932 बहुत जिलों में 85 है सर्वे, अलग अलग जिलों पे अलग अलग समय पे हुआ, तो फिर कैसे कोरिलेट कीजिए करेंगे? सारा चीज रिलेटेड हो सकता है। एक बात बताइए, जब झारखंड के लोग ही अपना हक अधिकार मांगते हैं तो इतना आनंद फानन क्यों होता है? सभी राज्यों का अपना पहचान है, तब कोई आनंद फानन नहीं होता है। सभी राज्य के लोग जी खा रहे हैं, कोई आनंद फानन नहीं होता है। जब झारखंड के लोग ही अपना अधिकार मांगते हैं तो आनंद फानन क्यों? आज एक बात बताइए, 1900 आप 2000 बहुत से लोग कहते हैं कि 2000 को कटअप माना जाए, एक बात बताइए 2000 को कटअप कैसे माना जा सकता है? झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोगों का आगमन कोयला का जैसे ही उदय हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, वे लोग यहाँ रहने बसने लगे। अगर आप 2000 को कटअप मानते हैं तो इससे क्या होगा? जो यहाँ के मूलवासी है, जिनका यहाँ के सिवा कुछ नहीं, उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए 2000 को उस दिन को कटअप नहीं माना जा सकता। अच्छा ठीक है, अगर आप उसको कटअप मानते हैं तो एक बात बताइए, उसमें तो लोग फंस जाएंगे जो लोग उस 2000 कटअप मानने कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय 2000 में झारखंड अलग हुआ, अगर एक भाई धनबाद में था तो दूसरा भाई जम्मू में था, आप क्या कीजिएगा उस समय? क्या कीजिएगा? अगर पति धनबाद में था तो पत्नी आपका अलग राज्य में थी, उसको कटअप माना जाए? पॉसिबल है? नहीं है। वे कमाने के लिए आए हैं, उसके बाद भी उन क्षेत्रों में आप निवास कर सकते हैं जो CNT में नहीं आता है, जो SPT में नहीं आता है, जो 9वीं अनुसूची में नहीं आता है, वहाँ आप निवास कीजिए। अगर आप 9वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हैं, CNT को वायलेंट करते हैं, SPT को तोड़ते हैं, तो हम तो गुनहगार नहीं है, असंवैधानिक तो आप हैं जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय होगी, जब तय होगी तो आप चैनल वालों को बुलाएंगे और आपके समक्ष रणनीति को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिलहाल रणनीति बनी नहीं है, रणनीति लगातार बन रही है, जनता से संपर्क किया जा रहा है, रणनीति जैसे ही बनेगी निस्संदेह हम लोग आगे, और ये आंदोलन नए झारखंड निर्माण की ओर है। और आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, एक बात याद रखिएगा, कुछ दिन पहले आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी समय हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन संघर्ष नहीं हुआ था, याद रखिएगा, वहाँ संघर्ष नहीं हुआ था, हमने 88 साल संघर्ष किया था। इसीलिए झारखंड के आंदोलन को आप दूसरे राज्य के आंदोलन से कंपेयर ना करें, हमने 88 साल संघर्ष किया था, 88,000 बलिदान दिया है, तब झारखंड मिला है। आप दिखाइए छत्तीसगढ़ में कितना शहादत हुआ, आप दिखाइए उत्तराखंड में कितना शहादत हुआ, आप दिखाइए महाराष्ट्र और गुजरात जब 1960 में अलग हुआ कितना शहादत दिया गया, हमने शहादत दिया है, हम एक शहीद का बेटा है, मेरा बाप का रक्त बहा झारखंड की माटी के लिए, हम दर्द को जानते हैं। इसीलिए झारखंड के आंदोलन को अन्य राज्यों से कंपेयर ना किया जाए, झारखंड एक अधिकार मांग रहा है, न्याय संगत है, असंवैधानिक वे लोग हैं जो CNT को वायलेंट कर रहे हैं, SPT को वायलेंट कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची का उल्लंघन कर रहे हैं। हम संवैधानिक लड़ाई है, क्योंकि मैं पुनः रिपीट करूंगा, भारत एकल नागरिकता की बात करता है, नागरिकता देश देता है, स्थानीयता राज देती है। हमारी स्थानीयता क्या है, हमारी डोमिसाइल क्या है, कौन है झारखंडी, ये सरकार को विधानसभा को तय करना होगा, जो अभी तक तय नहीं हो पाई है, हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें साजिश है, षड्यंत्र की बदबू आ रही है, उसे मिटाकर खतियान के आधार पर ही नीतियां तय हो, तभी झारखंड बचेगा, नहीं तो फिर आने वाला दिन जो हाल कभी निग्रो का था, जो हाल मंडेला के देश में मंडेला के लोगों का था, मार्टिन लूथर किंग का था, जो बात जोमो केन्याटा ने, शायद नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन मानता हूं जोमो केन्याटा ने कहा था कि अफ्रीका के आदिवासी जब क्रिश्चियन का आगमन हुआ, उनके हाथों में बाइबल थी, हमारे पास जमीनें थी,
हमारे हाथों में बाइबल आ गई, जमीनें चल गई उनके पास। तो वही हाल झारखंडियों का हुआ है। जो लोग मांगने आए थे वे लोग आज करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हैं, और झारखंड के मूलवासी हैं आज दर दर की ठोकरें खा रहे। उदाहरण के लिए चांडिल का डैम 60,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया, 1.5 रुपया डिसमिल। कहां इतना बड़ा अन्याय हुआ है बताइए, रिपोर्टर हैं आप लोग। 1.5 रुपया डिसमिल जमीन लिया जाता है, 1.5 रुपया डिसमिल में 60,000 एकड़ डिसमिल, यानी 60 गांव को उजाड़ा गया है। आइए रिपोर्टिंग कीजिए वहां जहां रिपोर्टिंग करना है। मारवती कांड को रिपोर्टिंग कीजिए, आत्महत्या को, हत्या को आत्महत्या बनाया जाता है, कंपनी को एक उंगली नहीं कर पाती प्रशासन, वहां रिपोर्टिंग कीजिए। जब झारखंड ये स्टूडेंट हक के लिए मांगते हैं तो आप लोग घुमाते हैं क्यों? झारखंड सही है और सही है, चाहे लड़ाई जितनी लंबी पड़े हम लोग लड़ेंगे। कोई आंदोलन नहीं बटा है। तो आप यहाँ राज्यपाल से मिलने कहाँ, क्या हो रहा है? स्टेट गेस्ट हाउस में कई आंदोलनकारी बैठके कर रही है। देखिए एक बात पहला आपको तय करना होगा, हमारी जो टीम है एक जगह सब नहीं आ सकते हैं, कोई गोड्डा में रहता है, कोई कोल्हान में रहता है, पॉसिबल है? हम लोग छात्र पढ़ने वाले, हमारा जिम्मा है गोड्डा वाले गोड्डा में जगह है, संथाल परगना वाले और दुमका वाले दुमका में आंदोलन करें। राज्य में हर जगह आंदोलन होना चाहिए, जब समय आएगा सब एक मंच पर दिखेंगे, दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना किया जाए। ये झारखंड खतियानी की लड़ाई है, सब खतियानी एक मंच पर है। आपके आंदोलन पर सवाल नहीं है, आंदोलन आपका हक है, आप कर भी सकते हैं। अभी आप जो एक बात बोले, एक सेकंड पहले साहब का बोलिए, आपका सवाल क्या था? मंत्री जी का जो बयान आया है उसको किस तरीके से, क्या बयान था उनका जरा बताइए। खतियान आधारित नहीं होता, कोर्ट में वापस आ जाएगा। ठीक है, आप खतियान आधारित स्थान नीति बनाइए और नियोजन नीति में एक लाइन लिखिए कि जो झारखंडी है वही लोग इसको दावा कर सकते हैं, और दावा किस आधार पे करेंगे? आवासीय स्थानीय के आधार पे करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अरे दो लाइन तो नियोजन नीति में जोड़ना ही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।